हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बट जॉइंट के बारे में। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बट जॉइंट में हम किसी दो मेटलिक पार्ट को सेम प्लेन में रख के जब वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं और जो हमारा वेल्ड जॉइंट बनता है उसको हम बट जॉइंट कहते हैं। बट जॉइंट को जॉइंट प्रिपरेशन के बेस पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं डिफरेंट टाइप ऑफ बट जॉइंट के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ मोर इम्पोर्टेंट वेल्डिंग ज्वाइंट्स जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स हमारा बट जॉइंट। तो बट जॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी दो मेटलिक पीसीज को जब हम एक सिंगल प्लेन में रख के वेल्ड करते हैं तो उसको हम जो ज्वाइंट रहता है उसको बोलते हैं बट जॉइंट। तो इसके डिफरेंट जो ज्वाइंट जो हम यूज करते हैं बट जॉइंट में, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स हमारा स्क्वेयर बट वेल्ड। इसमें फ्रेंड्स हमारे की जो वेल्ड प्रिपरेशन है, जो दो मेटलिक प्लेट हम ज्वाइन करने वाले हैं और उनके फेस की जो प्रिपरेशन है, जो कि पर्टिकुलर एंगुलर रहती है, जे टाइप है या वी टाइप है, वो किसी भी टाइप की जो वेल्ड प्रिपरेशन इसमें नहीं रहती। सो इसमें हमने लिखा नो वेल्ड प्रिपरेशन। और उनके जो एंड रहते हैं वो स्क्वेयर एंड रहते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने दिखाया है, ये हमारा बेस मेटल ए है, ये हमारा बेस मेटल बी है, और ये दोनों के जो फेस हैं ये फ्रेंड्स हमारे स्क्वेयर हैं। और यहाँ पे पर्टिकुलर जो एक गैप हमने मेंटेन किया जिसको हम रूट गैप बोलते हैं। तो यहाँ पे नो ग्रू प्रिपरेशन, यहाँ पे कोई भी ग्रू को हमने जो हमारी मेटलिक प्लेट है उसको हमने एंगुलर फेस या किसी जे टाइप का फेस या वी शेप की कोई भी ऐसी शेप इसमें यहाँ फ्रेंड्स हमने नहीं दी है। तो यहाँ दो मेटलिक पीस हैं जो कि एक 90 डिग्री पे स्ट्रेट यहाँ पे हमने रखे हुए हैं एक पर्टिकुलर गैप के साथ। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स स्क्वेयर बट वेल्ड। अब इसके आ जाते हैं कि इसका वेल्ड सिंबल क्या होगा। इसके वेल्ड सिंबल में फ्रेंड्स जहाँ आपको किसी पर्टिकुलर वेल्ड सिंबल के साथ, ये हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका है कि इस तरह से हम एक वेल्ड सिंबल को प्रेजेंट करते हैं। यदि आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलता है इस टाइप में, तो हम ये जान लेते हैं कि एक स्क्वेयर बट वेल्ड का सिंबल है यहाँ पे, और मैन्युफैक्चरर चाहता है कि आप स्क्वेयर बट वेल्ड यहाँ पे इस पर्टिकुलर जॉइंट पे करें जहाँ की ये एरो का निशान आपको दिखा रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे भी दिखाया, ये हमारा वेल्ड फ्रेंड्स बिड है, ये मोती टाइप का बन जाता है जब हम वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं इस पर। तो एक पर्टिकुलर गैप इस तरह से इसका साइड भी हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। नेक्स्ट वन इज सिंगल वी बट वेल्ड। इसमें फ्रेंड्स क्या है, सिंगल है वी कि हमारा जो बट ज्वाइंट की प्रिपरेशन है, बट वेल्ड ज्वाइंट की प्रिपरेशन है, वो वी टाइप की रहेगी। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, जो दो हमारा बेस मेटल ए बेस मेटल बी और ये जो हमारे ज्वाइंट की जो शेप है वो वी शेप में रहती है, और इस तरह से हम यहाँ पे इसमें हमारा वेल्डिंग प्रोसेस करके वेल्ड बीड बनाते हैं, और इस तरह से इसमें मटेरियल फिलअप करके दो मेटलिक पार्ट को हम ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप की यदि वेल्डिंग आपको देखने को मिलती है या ड्राइंग में कहीं आपको इस तरह का कोई वेल्ड सिंबल देखने को मिलता है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हम एरो दिया गया है, तो उस पर्टिकुलर ज्वाइंट को हमें सिंगल वी बट वेल्ड को करना है। अब ये फ्रेंड्स जो हमारा वी बट वेल्ड है, इसके जो एंगल की प्रिपरेशन है जिसको हम बोलते हैं कि वेल्ड प्रिपरेशन या शीट प्रिपरेशन, ये पर्टिकुलर जो एंगल है यहाँ पे हमने दिखाए हैं, ये 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री है। यहाँ पे हमें इनके बीच में एंगल देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है 90 डिग्री एंगल दिखाया है। तो जो हमारी एक पर्टिकुलर वेल्ड की प्रिपरेशन रहेगी वो 45 45 इस पर्टिकुलर ज्वाइंट से, तो ये एंगल हमारा रहेगा 45 डिग्री और ये एंगल रहेगा 45 डिग्री। तो ये कंप्लीट जो हमारा वी ज्वाइंट है उसका जो टोटल एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 45 डिग्री के जो वी ज्वाइंट के जो हमारे ग्रुप प्रिपरेशन है उसको हम सिंगल वी बट वेल्ड में यूज करते हैं। तो इसका सिंबल रहेगा फ्रेंड्स ये जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज डबल वी बट वेल्ड। अब फ्रेंड्स इसमें हमारी जो दो प्लेटें थी उसके हमने
ऐसे नीचे फेस से लेके टॉप फेस तक एक सिंगल वी हमने बनाया था, बट जब हम इन बिटवीन उसके दोनों फेस पे ही हम डबल वी टाइप का जॉइंट प्रीफिक्सिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम वी डबल वी बट वेल्ड। यहाँ पे दो वी शेप जॉइंट प्रिपरेशन के आपको देखने को मिलते हैं, वन वी इज दिस एंड एक ये है एक ये है, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो वी हमारे बन रहे हैं। तो इस टाइप की जो वेल्ड जॉइंट की प्रिपरेशन है वो आपको करनी होती है यदि आपको डबल वी बट वेल्ड जॉइंट दिया हुआ है। वेल्ड सिंबल की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें इस टाइप का सिंगल एक्स टाइप का वेल्ड सिंबल आपको देखने को मिलता है। इन रिंग ड्राइंग में आपको यदि किसी पर्टिकुलर जॉइंट पर ये वेल्डिंग सिंबल देखने को मिलेगा तो इस टाइप से आपको यहाँ पे जो वेल्ड सिंबल की जो शेप है दिखाई देने मिलेगी कि यहाँ पर डबल वी बट वेल्ड आपको करना है, और जो वी शेप की जो प्रिपरेशन रहेगी कि वी की क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, वो वी ग्रुप की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे इस सेक्शन में या इस सेक्शन में आपको वो जो डिजाइनर है वो डिफाइन करेगा। नेक्स्ट वन इज कॉन्वेक्स डबल वी बट वेल्ड। तो मैं प्रीवियसली फ्रेंड्स डिस्कस किया था कि डबल वी बट वेल्ड क्या होता है, जिसमें हमारी दो वी टाइप की जो वेल्ड जॉइंट प्रिपरेशन हम ऐसे करते हैं, जो हमारा फ्रेंड्स ये वेल्ड बीड बनता है यदि इसकी शेप हमारी कन्वेक्स रहेगी, ऐसे ऊपर उठी हुई रहेगी, कन्वेक्स इसको बोलते हैं कन्वेक्स फेस, तो इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट यदि वेल्ड जॉइंट में रहती है तो वहाँ पे आपको कन्वेक्स शेप आपको देनी रहती है। तो यहाँ पे हमने कन्वेक्स डबल वी बट वेल्ड की शेप को यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यदि आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि जो आपकी वेल्ड बीड की जो अपर फेस है फ्रंट फेस है तो आपको वहाँ पे जो वेल्ड बीड की शेप रहेगी वो आपको कन्वेक्स डिजाइनर की तरफ से रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से इस टाइप का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज फ्लैट फ्लश सिंगल वी बट वेल्ड, कि हमने यहाँ पे जैसे प्रीवियसली हमने सिंगल वी बट वेल्ड किया था, वी शेप हमने दी थी ज्वाइंट को, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड सुनने को मिलेगा कि फ्लैट फ्लश, कि फ्लैट फ्लश का मतलब है क्या, कि जैसे हमने इस पर्टिकुलर वेल्ड ज्वाइंट पे दिखाया गया है कि इसके अपर फेस में हमने वेल्ड बीड को इस तरह से नहीं दिखाया है, तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है प्लेन ऑफ मटेरियल से अबव इस टाइप में उसको बोलते हैं फ्रेंड्स फ्लश, जो नॉन रिक्वायर्ड है। बहुत से जो डिजाइनर हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है उस पर्टिकुलर जॉइंट पे, तो वो फ्लैट फ्लश सिंगल वी बट वेल्ड का सिंबल यूज करते हैं कि उनको जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि आउट ऑफ प्लेन है मटेरियल जो बेस मेटल के प्लेन से आउट जा रहा है उनको वो नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं फ्लैट चाहिए उनको, क्या रिमूवल उस पर्टिकुलर जो वेल्ड मटेरियल है वो चाहते हैं कि वो रिमूव हो रहे वहाँ से आप उसको हटा दें आफ्टर वेल्डिंग, तो वहाँ उसके लिए फ्लैट फ्लश वर्ड यूज किया गया है। तो इस तरह का सिंबल आपको देखने मिलता है कि आप जो एक्सेस मटेरियल रहेगा वी बट वेल्ड ज्वाइंट पे ऊपर से आप वो एक्सेस मटेरियल को हटाएंगे, तो ये जो सिंबल है उसको फ्लैट फ्लश से हम दिखाते हैं कि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो यदि किसी वी बट वेल्ड ज्वाइंट पर आपको इस तरह से मिलता है सिंबल देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि जो आपकी बिड की जो आउटर प्रोफाइल है जहाँ से आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो आपको फ्लैट चाहिए, मतलब वो अननेसेसरी मटेरियल जो वेल्ड बिड का वो आपको हटाना पड़ेगा, तो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो वहाँ पे आपको डिफाइन कर दी जाएंगी कि वो किस पर्टिकुलर वैल्यू तक फिनिशिंग तक आप पर्टिकुलर जो कस्टमर है उसको चाहिए। नेक्स्ट वन इज बट वेल्ड विद रेज एंड, फ्रेंड्स यदि इस टाइप की रेज प्लेट बेंडिंग प्लेट आपको दी हुई है और आप उनको ज्वाइन करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस से तो इस टाइप का सिंगल आपको देखने को मिलेगा कि उस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे ये इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा कि जो बेंडिंग फेसेस हैं रेज्ड प्लेट के जो रेज्ड एंड हैं उनको जब वेल्ड करना है तो इस तरह का वेल्डिंग आपको वहाँ पे करनी है। नेक्स्ट इज सिंगल बेवल बट वेल्ड। फ्रेंड्स बेवल एंगल क्या होता है, बेवल एंगल होता है 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल होते हैं उसको हम बोलते हैं बेवल एंगल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक सिंगल बेवल
कट वेल्ड फेस को ज्वाइंट को दिखाया गया है कि यहाँ पे जो एक बेस मेटल की हमारा जो ए, इसको मैं ए और बी प्लेट मान लेता हूँ, तो यहाँ पे बी जो प्लेट है हमारी बेस मेटल है उसके फेस को हमने प्रिपेयर किया है एट पर्टिकुलर बेवल एंगल पे, कि ये 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे बेसिकली ये 90 डिग्री पे है, ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे इसका फेस हमारा 90 डिग्री नहीं है। तो इस तरह की जो आपकी यदि ज्वाइंट की प्रिपरेशन है उसको बोलते हैं सिंगल बेवल बट वेल्ड, यहाँ पे सिंगल बेवल एंगल आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंबल की बात कर लेते हैं, जिस वेल्डिंग सिंगल में आपको इस तरह का जो शेप देखने को मिलेगा, ये हमारा ये स्ट्रेट रहेगा और ये हमारा बेवल एंगल पे रहेगा, तो ये हम समझ सकते हैं कि ये सिंगल बेवल बट वेल्ड का सिंबल है। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स डबल बेवल, सेम डबल वी की तरह ही यदि हमारी प्लेट पे बोथ साइड इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में यदि हमने बेवल एंगल दिया हुआ है, प्लेट प्रिपेयर की हुई है, तो इस तरह का जो सिंबल है जहाँ पर आपको बेवल एंगल देखने को मिलेगा वन प्लेट फेस प्रिपरेशन पे, तो एक बेवल एंगल बेवल फेस हमारा ये है बट वेल्ड और दूसरा हमारा बेवल फेस ये है, तो इस तरह की जो प्रिपरेशन है प्लेट्स की और वेल्ड ज्वाइंट जो हम करते हैं उसको बोलते हैं डबल बेवल बट वेल्ड। वेल्ड सिंबल की बात करें तो इस तरह से के टाइप का सिंगल आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का सिंबल फ्रेंड्स हमारे देखने को मिलेगा कि ये हमारा डबल बेवल बट वेल्ड है। नेक्स्ट वन इज सिंगल वी बट वेल्ड विद ब्रॉड रूट फेस, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंगल वी बट वेल्ड है, बट हमारे प्रीवियसली जो हमने वी बट वेल्ड को डिस्कस किया था और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो हमारा रूट फेस है वो हमारा क्या है चौड़ा है, तो ये हमारा जो रूट फेस था इसको हम रूट फेस बोलते थे फ्रेंड्स, ये हमारा जो रूट फेस है वो चौड़ा है, मतलब इसकी जो वैल्यू है डायमेंशन है वो ज़्यादा है। तो इस तरह का जो वेल्ड सिंबल प्रिपरेशन आपको यदि देखने को मिलती है तो आप समझ जाइए कि ये सिंगल वी बट वेल्ड है विद ब्रॉड रूट फेस, और यदि इस टाइप की आपको वेल्ड ज्वाइंट वेल्डिंग करनी है ज्वाइंट पे, यहाँ पे वेल्डिंग सिंबल है तो ये यहाँ पे इस तरह आपको ये दिया हुआ मिलेगा कि इस वी इस एरिया से हम समझ जाएंगे कि ये ब्रॉड रूट फेस काम है बट वेल्ड करना है विद सिंगल वी ज्वाइंट प्रिपरेशन के साथ। नेक्स्ट वन इज डबल वी विद ब्रॉड रूट फेस, यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो रूट का फेस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और दोनों फेसेस पे वेल्ड फेस जो हमारा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में वो हमारा डबल वी बट वेल्ड ज्वाइंट हम करते हैं। डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें हमारा जो रूट फेस है वो ब्रॉड है। वेल्ड सिंबल की बात करें तो इस तरह से वेल्ड सिंबल आपको देखने को मिलेगा, यदि आपकी ड्राइंग में आपको इस तरह से वेल्ड सिंबल दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि हमारा डबल वी बट वेल्ड विद ब्रॉड रूट फेस है और इस तरह का ज्वाइंट प्रिपरेशन आपको करना है जो कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट वन इज डबल बेवल बट वेल्ड विद ब्रॉड, यहाँ पे सेम आपको दिखाया गया है जैसे कि यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों साइड में ही हमारी सिंगल प्लेट प्रिपरेशन रहेगी इस डायरेक्शन में और हमारा जो रूट फेस है रूट फेस रहेगा फ्रेंड्स इसमें वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा और दोनों साइड हमारा बेवल एंगल प्लेट प्रिपरेशन रहेगी। तो यदि किसी ड्राइंग में आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये हमारा डबल बेवल, क्योंकि यहाँ पर डबल सिंगल एक बेवल ये हो गया हमारा इस सिंबल में, दूसरा अब दो बेवल एंगल यहाँ पे हमने दिखाया है कि एक बेवल हमारा ज्वाइंट फेस ये रहेगा एक ये दो, और ये किसको डिफाइन करता है फ्रेंड्स, ये डिफाइन करता है ये हिस्सा हमारा रूट फेस को जो कि क्या है ब्रॉड है चौड़ा है। नेक्स्ट वन इज यू बट वेल्ड विद ब्रॉड रूट फेस, इसमें फ्रेंड्स क्या रहेगा यू बट वेल्ड में, जैसे कि आपको इस प्लेट की प्रिपरेशन से ही दिख रहा है यहाँ पे जो हमारे ज्वाइंट की जो शेप है वो क्या है यू टाइप की है, इस तरह से यू टाइप की है, मतलब जो हमारी साइडें हैं वो क्या है स्लोपिंग साइड्स हैं। तो इस तरह का सिंबल और यदि आपको देखने को मिलता है किसी ड्राइंग में ये हमारा एरो साइड है तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारी प्लेट की प्रिपरेशन रहेगी इस तरह से ये यू शेप में रहेंगी विद
रूट फेस, ये हमने नीचे ही दिखा दिया आपको, ये हमने आपको रूट फेस फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाया है। ये हमारा एक बेस मेटल है, दूसरा बेस मेटल है, और ये जो इस तरह का सिंबल देखने को मिलता है तो हमारे ये दो प्लेटों के बीच में हमें इस टाइप का ज्वाइंट प्रिपरेशन करना है, और हमारे यहाँ हमें वेल्डिंग ऑपरेशन फ्रेंड्स हमें करना है। तो ये डबल, यदि सिंगल जैसे कि हमने पढ़ा था कि डबल वी बट ज्वाइंट, डबल बेवल बट वेल्ड विद ब्रोटूट फेस, तो वैसे ही ये हमारा सिंगल यू बट वेल्ड था। यदि डबल यू बट वेल्ड विद ब्रोटूट फेस आपको दिया है तो इसे हमें हमारा डबल इस तरह का वेल्ड सिंबल हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे यू बेल्ट यू जो हमारा बट वेल्ड है उसकी जो डायमेंशन फीचर रहेंगे वो यहाँ पे आपको डिफाइन करके दिए हुए मिलेंगे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, हमारा जो हमारा एक साइड है जो ज्वाइंट की वो सिंगल यू एंड अनदर यू हमारे अनदर साइड में है, तो ये हमारा डबल यू बट वेल्ड विद ब्रॉड रूट फेस, जो हमारा रूट है वो हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, रूट फेस। नेक्स्ट वन इज सिंगल जे बट वेल्ड, जैसे कि फ्रेंड्स नेम सर्च कर रहा है कि इस टाइप का वेल्डिंग सिंबल यदि आपको देखने को मिल रहा है किसी पर्टिकुलर ड्राइंग में, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा ये सिंगल जे बट वेल्ड है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे रहती है फ्रेंड्स, जैसे हमारे दो बेसिक में बेस मेटल हैं, तो ये एक फेस जो हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, स्टीप स्ट्रेट रहेगा, और दूसरे वाले हम क्या करेंगे इस तरह से जे टाइप का, इस तरह से जे टाइप का हम जो हमारी प्लेट प्रिपरेशन है वो करेंगे। ये हमारी क्या फ्रेंड्स, ये हमारा रूट फेस है, और ये हमारी बेस मेटल वन सेकेंड, और ये हमारा जे टाइप का जो हमारा ज्वाइंट प्रिपरेशन है। तो यदि किसी ड्राइंग में हमें इस टाइप की सिंबल देखने को मिले तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये सिंगल जे बट वेल्ड है। नेक्स्ट वन इज स्टीप फ्लैंक सिंगल वी बट वेल्ड। फ्रेंड्स जो मैंने पहले डिस्कस किया था, जो हमारा सिंगल वी बट वेल्ड था वो इस तरह की, वो इस तरह का हमारा ज्वाइंट प्रिपरेशन था, और हमारा जो करंटली क्या है स्टीप फ्लैंक्ड, तो इसमें ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट है ये क्या है, थोड़ा सा इससे ब्रॉड है। सेकंड वन इज स्टीप क्या होता है फ्रेंड्स, स्टीप फ्लैंक मैंने होता है दोनों ओर, जो कि किसी एक साइड में, दोनों साइड में हो सकता है, सिंगल साइड में हो सकता है। तो इस तरह का फेस आपको यदि बनाना है, यदि आपको स्टीप फ्लैंक सिंगल वी बट वेल्ड दिया हुआ है, यदि इस तरह का सिंगल आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइए कि ये वी बट वेल्ड है विद स्टीप फ्लैंक, मीन्स दोनों तीवर उसके जो एंगल हैं वो आपको तीवर मिलेंगे ढलान पे, मीन्स कि आपका जो वी बट वेल्ड में आपका जो स्लोपिंग एंगल है वो ऐसे कंटिन्यूसली आपका ऐसे इंक्रीज में रहेगा, बट यहाँ पे क्या हुआ आपका एंगल थोड़ा सा स्टीप है, मीन्स आपकी ये जो एंगल है आपका बिल्कुल स्टीप है, शार्प एंगल इसको हम बोल सकते हैं, शार्प एंगल पे आपकी प्लेट प्रिपरेशन रहेगी। तो यदि इस टाइप का यदि आपको सिंबल देखने को मिलता है किसी पर्टिकुलर ड्राइंग में तो आप समझ जाएंगे कि ये स्टीप फ्लैंक वी बट जॉइंट वेल्ड है। अब नेक्स्ट इज स्टीप फ्लैंक सिंगल बेवल बट वेल्ड। इसमें फ्रेंड्स हमारी जो प्लेट प्रिपरेशन रहेगी वो एक फेस क्या रहेगा हमारा, बेवल रहेगा, बेवल एंगल मोर डिफरेंट देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अलग रहेगा, और जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा हमारा स्टीप। तो ये यदि आपको इस तरह का सिंबल आपकी ड्राइंग में देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि ये एक स्टीप फ्लैंक सिंगल बेवल बट वेल्ड है। नेक्स्ट वन इज बैकिंग वेल्ड। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैकिंग होती क्या है। जब हम किसी दो पर्टिकुलर मेटलिक पार्ट को फ्रेंड्स वेल्डिंग के थ्रू जोड़ते हैं विद पर्टिकुलर गैप, ज्वाइंट गैप के साथ, देखिए एक्स दिखाया है, तो क्या जैसे हम इसमें वेल्डिंग मटेरियल भरेंगे तो ये वेल्डिंग मटेरियल हमारा इस फेस से क्या हो सकता है फ्रेंड्स, बाहर निकल सकता है, क्योंकि मोल्टन मेटल रहता है इन दो पर्टिकुलर मेटलिक पीस के बीच में। तो ये मोल्टन मेटल हमारा क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ये मोल्टन मेटल हमारा बहकर यहाँ बाहर निकल सकता है। इस मोल्टन मेटल को रोकने के लिए और इन दोनों प्लेट्स को ए और बी यहाँ पे हम
यहाँ पे इनको नेमिंग कर देता हूँ, इन दो मेटलिक प्लेट्स को आपस में ज्वाइंट रखने के लिए, डिस्टॉर्शन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके नीचे एक स्पोर्टिंग क्या करते हैं प्लेट लगा देते हैं। ये परमानेंट भी हो सकती है और ये टेम्परेरी भी हो सकती है। तो इस तरह की जो हम स्ट्रिप यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बैकिंग स्ट्रिप, जो कि मोल्टन मेटल को यहाँ पे बांधे रखती हैं, उसको फ्लो नहीं होने देती हैं और एज ए स्टॉपर उसका काम करती हैं, तो उसको बोलते हैं बैकिंग स्ट्रिप। अब इसमें फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, एक रहता है बैक वेल्ड। बैक वेल्ड में फ्रेंड्स क्या रहता है, पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो मेन फेस वेल्डिंग है सबसे पहले हम वो करते हैं, उसके बाद ये हमारा फ्रंट फेस है, उसके बाद जो ये ग्रूव बच जाता है उसके बाद हम इस डायरेक्शन में वेल्ड करते हैं। तो पहले फर्स्ट हम वेल्डिंग करते हैं ये, सेकंड पे ये, उसको बोलते हैं बैक वेल्ड। बट फ्रेंड्स जो हमारी बैकिंग वेल्ड है, बैकिंग वेल्ड में क्या करते हैं, यदि हमारी दो प्लेट्स हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, ये हमारी फर्स्ट नंबर पे रहेगी और सेकंड नंबर पे हमारी ये वाली वेल्डिंग रहेगी। तो जो बैक फेस पे हम पहले वेल्डिंग करते हैं उसको बोलते हैं बैकिंग वेल्ड, उसको हम बैकिंग वेल्ड करते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेल्डिंग का प्रोसेस है, जो प्रायोरिटी बेस्ड बेसिकली प्रायोरिटी हमारी रहती है, बैक वेल्ड में हम जो पीछे की वेल्डिंग है बैक साइड वेल्डिंग वो बाद में करते हैं और बैकिंग वेल्ड में जो हमारी पीछे की वेल्डिंग है हम पहले करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे हमने दिखाया है। तो इस तरह का जो बैकिंग वेल्ड करते हैं हम, बैकिंग स्ट्रिप यूज करते हैं, तो यहाँ इस तरह का वेल्डिंग सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा किसी भी वेल्डिंग में। जैसे वी वेल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह का बैकिंग वेल्ड का सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कुछ एलिमेंट्री सिंबल्स की, कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है फ्लैट फिनिश्ड फ्लश, मीन्स यदि कोई आप वेल्डिंग ज्वाइंट पर वेल्डिंग करते हो तो एक्सेस जो मटेरियल रहता है उस पर आपको फिनिशिंग चाहिए, एक्सेस मटेरियल नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्लैट फिनिशिंग फ्लश का इस सिंबल का यूज़ करते हैं, कि हमें वहाँ पे जो एक्सेस मटेरियल जो बिड के ऊपर बनता है इस तरह से, यदि ये दो प्लेट हैं और यहाँ पे बिड बना है, तो ये जो प्लेन की एक्सिस से जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा है फ्रेंड्स दिस वन, जो हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको वहाँ से हटा सके। कन्वेक्स का मतलब है किसी भी वेल्डिंग की फ्रेंड्स, यदि हम वेल्डिंग करते हैं जो वेल्डिंग हमारा फेस है वो हमें यदि कन्वेक्स शेप में चाहिए तो वहाँ पे हम कन्वेक्स सिंबल का यूज़ करते हैं, जैसे कि वी बट वेल्ड है। तो यहाँ पे यदि मैं इस तरह का सिंबल आपको दिखाता हूँ तो मतलब मुझे वी बट वेल्ड पे जो हमारे वेल्ड की बिड की शेप है वो मुझे इस तरह से कन्वेक्स चाहिए। सेम इज़ कनकेव, कनकेव में यदि आपको जो हमारे, जैसे कि मैं इसकी बात कर लेता हूँ फ्लैट वेल्ड की, यहाँ पे कन्वेक्स था हमारा क्योंकि हमें कन्वेक्स शेप चाहिए था, और यदि कॉनकेव चाहिए तो हमें इस वेल्ड बिड की शेप को कन्वेकेव बनाना होगा, या किसी एक्सटर्नल बाद में वेल्डिंग के बाद हमें उसको शेप को आपको उसमें शेप देनी होगी उस पर्टिकुलर वेल्ड बिड को। टोई शेल बी फ्लैंक स्मूथ, इस तरह का सिंबल यदि फ्रेंड्स आपको देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है, जो हमारे फिलेट वेल्ड में डिस्कस किया था कि ये जो हमारा ज्वाइंट रहता है बेस मेटल की प्लेट्स और वेल्डिंग जो हमारा बिड है उसके जो इस तरह से जो एज पॉइंट रहते हैं उनको हम बोलते हैं टोई। तो उसको क्या चाहिए, ब्लेंडेड स्मूथली, मतलब उस पर आप बट वेल्ड हो या फिलेट वेल्ड हो उस पर्टिकुलर जो ज्वाइंट है हमारे, जैसे यहाँ ये जो टोई है इसको आप स्मूथ करके दोगे, मतलब यहाँ पे यदि कोई एक्सेस मटेरियल है इस तरह से जो कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा रहता है इस पॉइंट पे, तो आप इसको क्या करके दोगे, स्मूथ करके दोगे। अब इसको कैसे स्मूथ का क्या मतलब है, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारी एक बट वेल्ड है और इस तरह से आपका यहाँ पे वेल्ड बिट बना हुआ है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो एंगल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और यदि आप इसको स्मूथ करोगे, यदि आप इसको इस तरह से स्मूथ कर दोगे तो वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल कम हो जाएगा वहाँ पे, तो इससे ज़्यादा जो करेक्ट जैसी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे कम हो जाएंगी। तो जिस तरह का सिंबल यदि आपको दिया हुआ है हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो आप समझ जाइए कि हमें जो टोई है हमारे वेल्ड बीड और बेस मेटल के जो ज्वाइंट हैं उनको थोड़ा स्मूथ करना होगा, वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो फैक्टर है उसको हमें कम करना होगा। नेक्स्ट इज परमानेंट बैकिंग स्ट्रिप,
तो जहाँ पे फ्रेंड्स हम जो हमने डिस्कस कर लिया था कि बैकिंग स्ट्रिप क्या होती है, कि दो मेटलिक पार्ट को जब हम जोड़ते हैं तो एक जो मेल्टन मेटल है उस ज्वाइंट से फ्लो आउट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसके नीचे हम क्या करते हैं, एक सपोर्ट लगाते हैं। इस तरह से हम सपोर्ट लगाते हैं ताकि वो मोल्टन मेटल बाहर नहीं निकले। तो ये हमारा बेस मेटल वन, बेस मेटल टू, और यह हमारा क्या था, मोल्टन मेटल, जो कि वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा बनता है। तो यदि फ्रेंड्स यदि ये हमारी स्ट्रिप है, बैकिंग स्ट्रिप जो कि हमने लगाई है यहाँ पे बैक साइड में, यदि ये इसको हम क्या करते हैं, परमानेंट करते हैं। यहाँ पे हम क्या किया, हमने वेल्डिंग से इसको क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसी वेल्डिंग को ज्वाइंट कर दिया, वेल्डिंग का टाका लगा के। तो इसको बोलते हैं परमानेंट बैकिंग स्ट्रिप। और जिन बैकिंग स्ट्रिप को हम क्या करते हैं, टेम्परेरी यूज़ करते हैं, कोई सेरेमिक्स की हमने बैकिंग स्ट्रिप यूज़ की, वेल्डिंग करने के बाद उसको हटा लिया, टेम्परेरी लगाया हमने, तो उसको बोलते हैं बैकिंग स्ट्रिप रिमूवेबल, कि उसको आप रिमूव कर सकते हो वेल्डिंग के बाद। तो इस तरह के सैम्बल आपको देखने को मिलेंगे यदि एम शेप दिया हुआ है बैकिंग स्ट्रिप में, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या हुआ, परमानेंट बैकिंग स्ट्रिप हमें यूज़ करनी है। और यदि एम आर दिया हुआ है तो हम मीन्स बैकिंग स्ट्रिप रिमूवेबल, हमें वो बैकिंग स्ट्रिप क्या करनी है, रिमूवेबल होनी चाहिए हमारी, जिसको हम हटा सकें। अब थोड़े से एलिमेंट्री सिंबल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कॉनकेव फिलेट वेल्ड, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही कि कोई फिलेट वेल्ड है उसमें जो वेल्डिंग बिट की शेप हमें कॉनकेव चाहिए, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव फिलेट वेल्ड। फ्लैट फ्लश सिंगल वी बट वेल्ड विद फ्लैट फ्लश बैकिंग रन, मीन्स हमारा जो वी बट वेल्ड है, हमने यहाँ वी बट वेल्ड दिखा दिया फ्रेंड्स, क्या हुआ फ्लैट फ्लश, हमें जो फ्लश है जो एक्सेस मटेरियल हमें रू करना है फ्लैट चाहिए, तो हमने फ्लैट फ्लश का सिंबल यहाँ दिखाया। बैकिंग रन, बैकिंग रन को हम इस सिंबल से हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कैसा चाहिए फ्रेंड्स, फ्लैट फ्लश। फ्लैट फ्लश मीन्स हमने फ्लैट फ्लश का यहाँ पर सिंबल यहाँ पर लगाया है। तो इस तरह का सिंबल यदि आपको मिले तो आप समझ लेना है कि हमें क्या करना है, वी बट वेल्ड करना है विद फ्लैट फ्लश, और बैकिंग रन को भी क्या करना है, हमें फ्लैट फ्लश हमें फ्रेंड्स करना है। तो इस सिंबल का मतलब फ्रेंड्स ये है। नेक्स्ट वन इज सिंगल वी बट वेल्ड विद ब्रो टू फेस एंड बैकिंग रन, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट वेल्ड वी बट वेल्ड विद ब्रो टू फेस। अपने एक्स्ट्रा क्या है, बैकिंग रन, बैकिंग रन मीन्स हमने यहाँ पे बैकिंग रन का सिंबल ऐड कर दिया है कि हमें उसको क्या करना है, बैक साइड से उसका जो वेल्डिंग प्रोसेस करनी है। और यदि इस पे आप इस तरह का सिंबल यूज करते हैं तो क्या क्या चाहिए, हमें फ्लैट फ्लश चाहिए। और यदि हमें इस तरह से सिंबल देखने को मिलता है तो मीन्स हमने उसको बैकिंग वेल्ड करनी है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लश्ड फिनिश सिंगल वी बट वेल्ड, फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा वर्ड क्या है इसमें मैं बता देता हूँ कि फ्लश्ड फिनिश, फिनिश, फिनिशिंग का यहाँ पे एक जिक्र आया है। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम यहाँ पे दिखाया है कि वी मीन्स हमें यहाँ पे वी बट वेल्ड करना है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे क्या क्या चाहिए, फ्लैट फ्लश चाहिए, और यहाँ पे वर्ड आया फिनिश, फिनिश उस फ्लैट सरफेस की क्या फिनिशिंग होनी चाहिए फ्रेंड्स, इसको हम फिनिशिंग सिंबल से, सरफेस फिनिश सिंबल से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देते हैं, ताकि कि जो हमें फेस चाहिए था, जो कि हमारा फ्लैट होना चाहिए था, उसमें फिनिशिंग यदि रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम इस सिंबल से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी ड्राइंग में यदि इस तरह का सिंबल आपको दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये वी बट वेल्ड है विद फ्लैट फ्लश, और यहाँ पे फिनिशिंग की हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो कि डिजाइनर ने हमें दी है। नेक्स्ट वन इज फ्लैट फिलेट वेल्ड विद स्मूथ ब्लेंडेड फेस, जो हमने डिस्कस किया कि हमारी जो टॉय है वो हमें क्या करना है, वहाँ पे इनको स्मूथ करके देना है आपको, रिमूवल जो एक्सेस जो शार्प एजेस हैं उनको हमें हटाना है वहाँ पे एक्सटर्नल प्रोसेस से, ताकि वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है उसको हम स्मूथ कर सकें, कम कर सकें, और क्रैक जैसी जो हमारी पॉसिबिलिटी है डिफेक्ट जनरेट होने की आफ्टर वेल्ड वो हमारी कम हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया बट वेल्ड को, फिलेट वेल्ड को, कुछ एलिमेंट्री ज्वाइंट्स को। अब हम बात करते हैं कि फिलेट वेल्ड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो पर्टिकुलर जो हमारे मेटलिक पीस हैं वो 90 डिग्री पे रहते हैं, और हम इस तरह से जो वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड। इसमें हमारे दो मेटलिक पीस परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के, तो उनकी एक्सिस क्या करती है, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस तरह का सिंगल आपको देखने को मिलेगा ड्राइंग में।
सेकेंड में प्लग एंड स्लोट वेल्ड, जब फ्रेंड्स हम किसी दो मेटलिक प्लेट को ऐसे रखते हैं और एक जो हमारी टॉप फेस रहता है उसमें हम होल या स्लोट करते हैं और उसके अंदर जब हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग मटेरियल अप्लाई करते हैं, जो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्लग एंड स्लोट वेल्ड। इसमें आपका होल आप किसी दो मेटलिक प्लेट में, एक ये प्लेट है हमारी, एक सेकेंड वाली है, इसमें आप ऊपर वाली जो प्लेट है उसमें होल कर सकते हैं, स्लोट कर सकते हैं या कोई और शेप की आप इसमें जो शेप है वो बना सकते हैं। और उसमें जब हम वेल्डिंग प्रोसेस करके मटेरियल फिल करते हैं और मेटलिक जो प्लेट है उनको ज्वाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लग एंड स्लोट वेल्ड। तो इसकी पहचान कैसे होगी फ्रेंड्स, कि जिसे आपकी ड्राइंग में इस टाइप का सिंबल दिया है किसी पर्टिकुलर फेस पे और ऐसे इसको दिखाया गया है तो हम समझ जाएंगे कि ये स्लोट है, प्लग और स्लोट वेल्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वन इज स्पॉट वेल्डिंग। फ्रेंड्स जब किसी दो मेटलिक पार्ट को हम इलेक्ट्रिक करंट से, हाई इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ते हैं विद पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड जो कि नॉन कंज्यूमेबल रहता है, कॉपर इलेक्ट्रोड रहता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की सहायता से हम उस पर्टिकुलर फेज पे, एक पर्टिकुलर फेज पे जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, वहाँ पे मेटलिक को मेटल में हाई करंट फ्लो करके वहाँ पे हम हीट जनरेट करते हैं जिससे कि दो मेटलिक पार्ट हमारे फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे जुड़ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉट वेल्ड। मोस्टली ड्राइंग्स में आपको जहाँ भी यदि किसी दो मेटलिक पार्ट में आपकी शेप यहाँ है, ये मेटलिक पार्ट आपका जुड़ा हुआ है X1, X2, तो यहाँ पे हमारी यदि स्पॉट वेल्ड है तो इस तरह से कांटे का निशान आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी ए स्पॉट है, ये हमारी बी स्पॉट है। और यदि ये आपको देखने को नहीं मिलता तो राउंड शेप का वेल्ड सिंबल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे वो स्पॉट वेल्डिंग दी हुई है, तो इस तरह से राउंड शेप आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट इज सीम वेल्ड। सीम वेल्ड फ्रेंड्स मीन्स कि दो मेटलिक प्लेट्स को जब आप एक दूसरे पर रख के, ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं जो कि सीम वेल्डिंग इसको बोलते हैं, तो वहाँ पे जो दो मेटल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं प्लेटें जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस और हाई इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो रहता है तो दो मेटलिक मेटलिक जो प्लेट्स रहते हैं उनको उस पर्टिकुलर फेस से ज्वाइन कर देता है, पिघला देता है, तो उसको बोलते हैं सीम वेल्ड। तो इस तरह का सिंबल यदि आपकी आपकी ड्राइंग में देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे उस फेस पे हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, सीम वेल्ड वहाँ पे हमें करनी है। तो ये हमारा स्पॉट वेल्डिंग का सिंबल था, ये हमारा सीम वेल्डिंग का सिंबल था, ये प्लग और स्लॉट वेल्ड एंड दिस वन इज फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट वन इज एज वेल्ड। फ्रेंड्स यदि दो प्लेट के एजेस को आपको इस तरह से जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है, तो वो जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको बोलते हैं एज वेल्ड। यदि आपकी ड्राइंग में आपको इस तरह से किसी एज पे ये तीन लाइनें आपको दिखाई देती हैं तो आप समझ जाइए कि आपको उस वेल्डिंग फेज पे इस तरह से आपको वेल्डिंग प्रोसेस करनी है। नेक्स्ट वन इज सर्फेसिंग वेल्ड। सर्फेसिंग वेल्ड मीन्स फ्रेंड्स जब दो मेटलिक प्लेट को, जैसे कि हमने दिखाया ये प्लेट हमारी ये थी, सेकेंड वन इज दिस, आप एक दूसरे के ऊपर रख के मल्टीपल आप बार मल्टीपल रिपीटेशन में आप वेल्ड प्रोसेस करते हैं लेयर बाय लेयर, तो उस टाइप की वेल्डिंग को बोलते हैं सर्फेसिंग वेल्ड। तो यदि आपकी ड्रॉइंग में आपको इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वेल्ड की वो सर्फेसिंग वेल्ड की वहाँ पे बात कर रहे हैं डिजाइनर। तो जो डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट है वेल्ड सिंबल की वहाँ पे वो डिफाइन करेगा कि आपको किस तरह से कितनी वहाँ पे वेल्डिंग करनी है, वो जो पैरामीटर है वहाँ पे आपको वेल्ड सिंबल के साथ देगा। नेक्स्ट वन इज इंक्लाइन ज्वाइंट। इंक्लाइन मीन्स यदि कोई ज्वाइंट की प्रिपरेशन हमारी इंक्लाइंड एंगल पे है फ्रेंड्स, तो उसको बोलते हैं हम इंक्लाइन ज्वाइंट। तो इस तरह से यदि आपको किसी फेस पे इस तरह से वेल्डिंग सिंबल देखने को मिलता है तो मीन्स वो जो ज्वाइंट है आपको इंक्लाइंड आपको वो जोड़ने हैं इंक्लाइंड एंगल पे। नेक्स्ट वन इज फोल्ड ज्वाइंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है फोल्ड मीन्स किसी को फोल्ड करना, मोड़ना। तो इस तरह से यदि एक मेटल प्लेट को हमने इस तरह से जोड़ लिया, दूसरी प्लेट को इस तरह से मोड़ लिया हमने, और यदि आप इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देते हैं तो क्या होता है, ये फोल्डिंग ज्वाइंट। जैसे हमने दिखाया है कि जैसे पहली ए प्लेट, ये हमारी बी प्लेट, ए और बी प्लेट को हमने बेंड किया, फिर इनको इंसर्ट किया और इस तरह से आपको प्रेशर अप्लाई करके या हम इसको क्या करते हैं ज्वाइंट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं फोल्डेड ज्वाइंट या फोल्ड ज्वाइंट। नेक्स्ट वन इज इंटरमिटेंट वेल्ड। इंटरमिटेंट वेल्ड मीन्स डिसकंटिन्यूअस, जो कि कंटिन्यूअस नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये हमारा मेटलिक प्लेट ए है, ये हमारी मेटलिक प्लेट क्या है फ्रेंड्स, बी है।
अब हमने यहाँ पे वेल्डिंग करी, फिर हमने छोड़ दिया, फिर हमने वेल्डिंग करी, तो ये क्या है? वेल्डिंग डिसकंटिन्यूस वेल्डिंग है हमारी। इस एरिया में हमारी वेल्डिंग है, इस एरिया में वेल्डिंग नहीं है, और इस एरिया में हमारी वेल्डिंग प्रोसेस है। तो ये क्या है? हमारी जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो क्या है? डिसकंटिन्यूस वेल्डिंग है हमारी। तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट वेल्डिंग, वेल्डिंग सेपरेशन वेल्डिंग। तो यहाँ पे जैसे एल लेंथ की हमने वेल्डिंग करी है, फिर हमने ई जो लेंथ पर्टिकुलर लेंथ का सेपरेशन यहाँ पे छोड़ा है, फिर हमने एल टाइप की वेल्डिंग करी है एल पर्टिकुलर लेंथ तक। तो ये जो डिसकंटिन्यूस वेल्डिंग है तो इसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट वेल्डिंग। तो यहाँ पे आपको जैसे इस तरह से ई एल, ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको वेल्ड सिंबल का देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो भी ज्वाइंट होगा आपका वो वेल्डिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ मिलेगा। तो ई और एल की वैल्यू आपको यहाँ पे वेल्डिंग सिंबल के साथ दी हुई मिलेगी, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट वेल्डिंग हमें करनी है, जो कि हमें ई और एल की वैल्यू डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्टैगर्ड इंटरमीडिएट वेल्ड। स्टैगर्ड इंटरमीडिएट वेल्ड का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कि दोनों ओर वेल्ड, किसी भी प्लेट के दोनों ओर इंटरमीडिएट वेल्ड, कि जैसे यहाँ पे हमने वेल्डिंग की, यहाँ पे हमने छोड़ा, फिर यहाँ वेल्डिंग की, फिर यहाँ छोड़ा। सेकेंड वन इज सेम, बट ये क्या है? दोनों ओर सेम वेल्डिंग नहीं रहेगी आपकी, सेम मेथड आप अप्लाई नहीं करोगे, आप वेल्डिंग करोगे विद सम सेपरेशन के साथ, कि जैसे यहाँ पे वेल्डिंग है, फिर वेल्डिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ तक हुई, फिर यहाँ। तो दोनों ओर हम इसमें क्या करते हैं? इंटरमीडिएट वेल्डिंग करते हैं विद इम्प्रॉपर पैटर्न। यहाँ पे जो दोनों साइड का पैटर्न है हमारे वेल्डिंग का, वो सेम नहीं रहेगा। तो इस टाइप की जो वेल्डिंग प्रोसेस को बोलते हैं स्टैगर्ड इंटरमीडिएट वेल्ड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे ऑनलाइन लर्निंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म क्वालिटी कंसेप्चुअल के साथ। धन्यवाद।